ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अगली बड़ी खबर में बात प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, प्यार से ईडी कहते हैं। बात शुरू करेंगे लालू प्रसाद यादव से। कल उनसे पूछताछ हुई दिल्ली के दफ्तर में, 29 जनवरी की बात कर रहे हैं। जिस समय पूछताछ हो रही थी, उनकी बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उनके हैंडल से एक के बाद एक ट्वीट्स आ रहे थे। किसी ट्वीट में वो वार्निंग दे रही थी कि उनके पिताजी को एक खरोज भी आ जाती है तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा, तो किसी ट्वीट में वो अपने पापा को हीरो करार दे रही थी। रोहिणी के एक्स टाइमलाइन पर ऐसी तस्वीरें, वीडियो और ट्वीट्स अटे पड़े थे जिनमें वो अपने पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर ईडी के एक्शन की भर्त्सना कर रही थी। लेकिन इन तमाम बयानों से बेफिक्र ईडी अधिकारी ऑफिस के अंदर लालू प्रसाद यादव को लेकर एक अलग तैयारी में थे। कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में लालू प्रसाद यादव से अगले 10 घंटे तक पूछताछ की जानी थी। लालू यादव के घर वाले ईडी के दफ्तर के बाहर गुहार लगाते रहे कि वो चल फिर नहीं सकते, उन्हें रियायत दी जानी चाहिए, लेकिन पूछताछ हुई और लालू प्रसाद यादव 10 घंटे बाद ही बाहर निकले और मीडिया के सवालों के जवाब दिए बिना गाड़ी में बैठकर चले गए। बयानबाजी, किसने क्या कहा, आप सुन लीजिए। जो अकूत संपत्ति कमा लेता है वो व्यक्ति परेशान होता है। राजनीति से धन की लालसा रखने वाले लोग की परेशानी हमेशा बढ़ी है और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहते थे वो अब साकार होगा। जिस तरह से 2024 को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं और देश के जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, दल हैं, उनके नेताओं को इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब जिस समय के घोटाले की बात करते हैं और जिन लोगों के FIR पर ये बात करते हैं, वो लोग सब लोग हाथ झाड़ चुके हैं, चाहे वो ललन सिंह हो। बावजूद इसके केंद्र के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, लालू जी को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए तैयार नहीं। देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी को ईडी के विभिन्न मामलों में दिल्ली से संबंध होने के बाद यहाँ पूछताछ किया गया। दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ईडी जैसी संवैधानिक संस्था के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, वह हम समझते हैं कि लालू जी का नुकसान ही कर रहे थे। लेकिन दिन खत्म होते होते जानकारी भी सामने आई कि लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछे क्या गए थे। लेकिन हम सवालों पर आए उससे पहले आपको समझना होगा कि मामला क्या है। हमने पहले भी केस आपको बताया है, आज ब्रीफ में आपको एक रिकैप देंगे। ये नौकरियों के बदले जमीन देने का मामला है या इल्ज़ाम यही लगा है। दरअसल साल 2004 से 2009 के बीच केंद्र में UPA 1 सरकार थी और लालू प्रसाद यादव इस सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री थे। इल्ज़ाम है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ। कहा जा रहा है कि नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से ज़मीन और प्लॉट्स ले लिए गए। इल्ज़ामों को थोड़ा और खोलकर देखेंगे तो ग्रुप डी की भर्ती के लिए 12 लोगों को नौकरी के बदले उनसे रिश्वत के तौर पर कथित रूप से 7 प्लॉट्स ले लिए गए। लालू परिवार ने उस दौरान करीब 1 लाख वर्ग फुट की ज़मीन मात्र 26 लाख रुपए में एक्वायर कर ली, जबकि तत्कालीन सर्कल रेट के हिसाब से ज़मीन बैठ रही थी 4,39,00,000 रुपए से भी ज़्यादा की। इसी मामले में लालू यादव के करीबी भोला यादव को गिरफ्तार भी किया गया था। अब ये तो केस की कहानी हो गई। अब वापस आते हैं पूछताछ पर। 10 घंटे तक लालू यादव से 70 से भी अधिक सवाल किए गए। कहा जा रहा है कि अधिकतर सवालों के जवाब लालू यादव ने हाँ या ना में दिए और कई सवालों में उन्होंने विचार करने के लिए 1 से 1.5 मिनट का वक्त भी लिया। किस तरह के सवाल पूछे गए आप बानगी देख लीजिए। नौकरी देने के बदले कितने लोगों से ज़मीन ली गई, पटना में मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स में फ्लैट्स की खरीद बिक्री कैसे हुई, पटना में 1 लाख वर्ग फुट की ज़मीन की खरीद फरोख्त के ब्यौरे कहाँ हैं, दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ज़मीन खरीद के ब्यौरे कहाँ हैं, बड़ा स्केल इलाका है दिल्ली का ये, मिसर सेके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई ज़मीन के ब्यौरे कहाँ हैं, AK इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को ज़मीन बेचने वाले के 2 भतीजों को रेलवे में नौकरी दी गई थी, क्या ये सच बात है, अभ्यर्थियों से 4 प्लॉट सिर्फ 7.5 लाख रुपये में खरीद लिए गए, क्या ये सच बात है। आइए पत्रकारों को सुनते हैं जो इस पूछताछ के और ब्यौरे आपको उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, जो पूरी पूछताछ हो रही है वो लैंड फॉर जॉब स्कीम के तहत हो रही है। इसमें लालू जी से 70 सवाल पूछे गए, ऐसी जानकारी मिली है। इन 70 सवालों में ज़्यादातर सवाल जमीन के बारे में, फ्लैट्स के बारे में है, और मतलब कि ये ज़मीन आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली। उसमें
दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की प्रॉपर्टी के बारे में भी पूछा गया है। एक कंपनी है मेसर्स एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इनको किसी ने जमीन बेची थी, दो लोगों ने जमीन बेची थी बहुत सस्ते दाम पर, उनको नौकरी मिली है, तो उस कंपनी के बारे में पूछा गया। और राबड़ी देवी के ने एक जमीन खरीदी थी 7.5 लाख में और फिर उसने उससे बेचा 3.5 करोड़, इसके बारे में पूछा गया। इस तरह से कई सवाल पूछे गए, तो ज्यादातर सवाल जो थे कि फलाना जमीन आपको आपने कैसे खरीदी, कैसे बेची, ये फ्लैट कहाँ से आया, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, इससे जुड़े हुए थे लालू जी के सवाल। फिर कैलेंडर में लगी आज की तारीख यानी कि 30 जनवरी गांधी जी की पुण्यतिथि। इस दिन तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में शामिल होना था लेकिन वो नहीं शामिल हो सके, अलबत्ता वो गए पटना के ईडी ऑफिस, पूछताछ का सामना किया उन्होंने। लेकिन लालू के बाद तेजस्वी का ईडी ऑफिस का दौरा शुरू होता तो फिर से बयानबाजी शुरू हो गई, सुनिए क्या कहा गया। बस मैं इतना आगाह करता हूँ कि आपने इन एजेंसी का चरित्र जो कर दिया है ना, कल को जब सत्ता परिवर्तन होगा आप भी इसकी जद में आएंगे। जब आप जद में आएंगे हमें तब भी कष्ट होगा क्योंकि एजेंसीज को आपने एजेंसीज नहीं रहने दिया, वो जिसको कहते हैं ना चिप बेस्ड तोता, उसको वायलेंट किया है। अपनी बारी का इंतजार करिए। लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए, तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। फिर तेजस्वी की ईडी ऑफिस में दाखिल होने की तस्वीरें सामने आई। सूत्रों के हवाले से वो सवाल सामने आए जो उनसे पूछे जा रहे होंगे, जैसे ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके नाबालिग रहते आपके नाम पर थी, आपके पास कितने बैंक अकाउंट्स हैं और उनकी डिटेल्स क्या हैं, आपके द्वारा बनाए गए संपत्ति की जानकारी आपके परिवार को है या नहीं है, एके इंफोसिस्टम कंपनी से आपका क्या ताल्लुक है, अब तक आपकी जानकारी में कितनी संपत्तियां गिफ्ट के तौर पर मिली हैं, दिल्ली के जिस बंगले में आप रहते हैं उससे आपका क्या संबंध है, शक है कि वो बंगला आपका बेनामी संपत्ति है, गुड़गांव के एक मॉल से आपका क्या संबंध है, आपके कारोबार से संबंधित डील कौन करता है, रेलवे से संबंधित डील के बाद कई प्रॉपर्टीज आपके नाम हुई, क्या ये आपकी सहमति से हुआ या आपके परिवार के किसी सदस्य की अनुमति थी, कम उम्र में ही काफ़ी संपत्ति आपके नाम हो गई थी, क्या कभी इस मसले पर आपने किसी से कुछ पूछा या कोई जानकारी ली। तेजस्वी से और किस लाइन पर पूछताछ हो सकती है, सुनिए जानकारों को। तेजस्वी से ज्यादातर पूछताछ इसलिए हो रही, इस बारे में हो रही है कि उन्होंने जो कंपनी बनाई वो कैसे बनाई, कब बनाई, क्यों इसका आइडिया आया, इस पर ज्यादा पूछताछ हुई। फिर कंपनी के जमीन के बारे में भी पूछताछ हुई और ऐसा बताया जा रहा है कि ज्यादातर सवालों के बारे में तेजस्वी ने अनभिज्ञता जाहिर की कि मुझे मालूम नहीं कि यह कैसे हुआ, और कुछ सवालों का गोलमोल जवाब दिया है, जबकि लालू जी ने जो जवाब दिए वो फटाफट सारे सवालों के जवाब देते गए, दो दो मिनट में सवाल देते गए, तो ये सब जांच चल रही है। अब इसके बाद आगे इस पर क्या हो सकता है कि गिरफ्तारी की बात चले या क्या हो, ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तो यही चल रहा है।